नमस्कार प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को। आज की कक्षा और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी को। एग्रोनॉमी की पहले भी 4 क्लासेस हो चुकी थी, बट आप लोगों ने कहा था कि वो सही नहीं है या कुछ उसमें कमियां आ रही थी, इसलिए उन क्लासेस को हटा के दोबारा से शुरू किया जा रहा है। और अब इन क्लासेस के अंदर आपको उसी तरह से पढ़ाया जाएगा जैसा आप चाहेंगे। तो अगले 1 घंटे के बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या अब आप संतुष्ट हैं। अगर अब भी संतुष्ट नहीं हुए तो टीचर्स जो है ये बदले जा सकते हैं, बदल दिया जाएगा हर उस टीचर को, वो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। जो बाकी आपको पता ही है, एक आपका टीचर है जो आपको पशुपालन पढ़ाता है, थोड़ा ठीक ठाक पशुपालन वो पढ़ा लेता है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो जो पशुपालन वाला बंदा है ना, उसको एग्रोनॉमी के लिए लगवा दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, डेमो करवा देंगे उसका भी, अगर बच्चे बताएंगे कि सही पढ़ा दिया तो उसी से पढ़वा देंगे। तो आप बताइएगा 1 घंटे के बाद कि वो पशुपालन वाले बंदे को रखना है एग्रोनॉमी के अंदर के नहीं रखना। बाकी हाँ, ये जरूर है आप जब मुझे प्यार देते हैं ना, तो मैं आपको नहीं कहता ऐसे करो, मैं खुद भी करता हूँ कि शाबाश दीपक अच्छा काम किया, आप भी करते रहा करो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं जब बीएससी कर रहा था, मेरी बीएससी हुई है 2008 से 2012 में, 2011-12 के आसपास का समय था, जब मेरे पड़ोसी ने, गंगानगर जो जिला है, मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या करता है। अब मैं कभी कभी आता था घर में, उन्हें लगता कोई बड़ी डिग्री कर रहा होगा, मैंने कहा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। वो मुझे हंस के बोलते हैं एग्रीकल्चर इसमें भी पढ़ाई होती है, वो मुझे तब ऐसे बोला करते थे। आज मैं जाता नहीं उनके यहाँ पे, पर गलती से मुझे वो एक दिन, क्योंकि वो वाले घर में अब जाता ही नहीं हूँ, मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है चंडीगढ़ के अंदर, गलती से एक दिन मार्केट के अंदर मिल गया और बोले बेटा कभी घर पे आना। मैंने कहा क्यों आंटी जी? आंटी कहती कि बेटा मेरे बच्चे जो अब 12वीं कर चुके हैं, मुझे उनके बारे में पूछना है कि उनसे क्या करवाऊं। मैंने कहा आज से 10 साल पहले तो तुम्हें लगता था कि हाँ, इसके अंदर भी पढ़ाई होती है, अब उसी बंदे से तुम ये पूछना चाह रहे हो कि कौन सी पढ़ाई करवाऊं। तो आपको पता है ना, समय सबका समय बदल देता है। तो आप भी उसी पोजीशन पे हैं जब लोग आप पे हंस सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हर किसी का समय आता है, और समय यानी दिन आपका भी आएगा। समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। और इस बात को याद रखना जो विवेकानंद जी ने कही कि उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो ये मत देखो कि रात का समय या दिन का समय है, देखो कि पढ़ने को मिल रहा है, कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो आज के आज ही करो। अब अच्छा करने की शुरुआत करते हैं सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी के साथ। मैं पढ़ाते टाइम थोड़ा थोड़ा डरता भी हूँ आप लोगों से, डरता मतलब मुझे इस बात से भी डर लगता है कि मुझे बच्चों के समक्ष यानी कि सामने सस्य विज्ञान बोलना है कि एग्रोनॉमी बोलना है, क्योंकि कहते तो तुम अपने आप को हिंदी माध्यम के छात्र हो, लेकिन आधी भाषा तो तुम जो वर्तनी के अंदर प्रयोग में लाते हो वहां पे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हो। जैसे मैं आपसे पूछूंगा सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी, तुम मुझे एग्रोनॉमी कह दोगे। तो चलिए, बेसिकली आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का मिश्रण चाहिए, तो मैं आपको उसी तरह से मिश्रण के रूप में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सस्य विज्ञान को। सस्य विज्ञान की स्टार्टिंग करने से पहले एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है ना, एग्रीकल्चर वर्ड तो लैटिन भाषा से लिया गया, लेकिन कृषि जो है ना, ये लैटिन से नहीं लिया गया भैया। जो आपका ये वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया? जो कृषि शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा ना, तो परीक्षा में कृषि नहीं पूछेगा, परीक्षा के अंदर आपसे एग्रीकल्चर ही पूछेगा जो लैटिन भाषा से लिया गया। एग्रीकल्चर जो शब्द है जो लैटिन भाषा से लिया गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एजर प्लस कल्चरा, सबने पढ़ा हुआ है एजर या फिर कल्चरा, पढ़ा है ना, जहां पे एजर का मतलब क्या होता है? एजर का मतलब जो है वो किससे है? सोयल से, और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन से। तो जब मृदा के अंदर कृषि कार्य करते हैं, मतलब सोयल के अंदर हम जब कल्टीवेशन करते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है? उसे कृषि विज्ञान कहा जाता है। तो कृषि विज्ञान जो है ना भैया, वो विज्ञान की एक शाखा है।
जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फसल उत्पादन के सभी पहलू। सभी पहलू का मतलब बीज कितना डालना है, कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, और उसके साथ सारी वो बातें जो क्या है जरूरी है फसल उत्पादन के लिए, उन सारे पहलुओं का अध्ययन करेंगे। और उसके साथ साथ उद्यान विज्ञान हुआ, पशुपालन हुआ, वानिकी हुआ, मुर्गी पालन हुआ, सेरिकल्चर हुआ, एपिकल्चर हुआ, लैक कल्चर लाख का पालन हुआ, लाख कीट का, ये सारे के सारे विषयों का अध्ययन और इनका पालन भी करते हैं। तो फसल उत्पादन और उसके साथ साथ बाकी सारे इन विज्ञानों को मिला के आपका क्या बन जाता है, सब लोग बताइए क्या बन जाता है? हाँ, बन जाता है भैया कृषि विज्ञान। मेरे साथ साथ बोला करो, आपको मैंने बहुत बार कहा है, आप जब बोलते हैं ना तो आपको मजा आता है। मैं एविडेंस दे सकता हूं, 560 बच्चे मुझे क्लास में दिख रहे हैं इस टाइम पे। बच्चों सच से बताओ, अगर तुम मेरी बातों पे हंसते रहते हो, हाँ हाँ करते रहते हो, ना करते हो, सर समझ आ रहा है, हाँ आ रहा है, और जब मैं बोलता हूँ बताओ बेटा क्या बोलते हैं, अगर आप बोलने वाले में से हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि एक घंटे की क्लास कब चली जाती है और आपको मजा आता है। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नहीं तो क्लास यानी कि पढ़ाई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मजा नहीं आता, जनता बोर ही होती है। तो आपको बोर नहीं होना, मेरे साथ साथ बोलते रहना है और मैं इस गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ कि शब्द सारे समझा दूंगा। तो कृषि विज्ञान का मतलब क्या हो गया, जहां पे फसलोत्पादन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और फसलोत्पादन के साथ साथ हम क्या करेंगे वहां पे, फसलोत्पादन के साथ साथ बाकी जो विषय है जैसे वानिकी, पशुपालन, उद्यान विज्ञान, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, इन विषयों का भी अध्ययन करते हैं। या फिर कृषि शब्द की बात करो जो संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है, कृष जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना या फिर जोतना होता है, तो कृषि का अर्थ है भैया जुताई या फिर खेती या फिर किसानी से है। अतः कृषि से तात्पर्य है जुताई आदि करने से, अगर किसानी जो करता है, किसान जो किसानी करता है वो खेत के अंदर क्या करता है, वो खेत के अंदर हल को चलाता है, मतलब जुताई करता है, करता है कि नहीं भैया, वो खेत के अंदर जुताई करता है, वो कृषि यानी कृष संस्कृत के शब्द से बना है। और एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ये तो आप सब लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर जो अंग्रेजी शब्द है किस भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा का एक वर्ड तो है एजर, और दूसरा वर्ड क्या है कल्चरा, जिसका अर्थ क्या होता है, एजर का मतलब मृदा होता है और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन या फिर कर्म करना, कृषि कर्म करना है। तो कृषि कर्म का मतलब क्या हो गया, कृषि कार्यों से हो गया। तो एग्रीकल्चर सबको समझ आ गया कि एग्रीकल्चर में फसलों के उत्पादन की बातें भी करेंगे और उसके साथ साथ बाकी जो विज्ञान है जैसे उद्यान विज्ञान या पशुपालन विज्ञान या मधुमक्खी पालन, इन सब का अध्ययन भी कृषि विज्ञान के अंदर ही किया जाएगा। कृषि विज्ञान या फिर एग्रीकल्चर क्या होता है समझ आ गया है तो एक प्यारा सा वाई लिख दीजिए, उसके बाद आगे पढ़ेंगे और बात करेंगे कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में, जो आप सभी को पहले से पता है, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएंगी। कृषि विज्ञान की शाखाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा आ जाती है, वो हो जाती है सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है वो तो लैटिन से लिया गया है, लेकिन एग्रोनॉमी आप जानते हैं, एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान जो शब्द है वो लैटिन भाषा से नहीं, वो कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। जहां पे एग्रीकल्चर फसल उत्पादन के साथ साथ बाकी सारे विज्ञानों के बारे में भी अध्ययन करता है, वहीं पे जो एग्रोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करती है, फसल प्रबंधन की, है ना। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मृदा प्रबंधन और फसल प्रबंधन को, मृदा प्रबंधन भी कहेंगे तो बेसिकली ये किसके अंदर पढ़ाया जाता है, आपके मृदा विज्ञान के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन बात करेंगे किसकी, सस्य विज्ञान की, तो सस्य विज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा या मेन जो पढ़ा जाता है वो फसल उत्पादन को पढ़ा जाता है। तो सस्य विज्ञान जो है ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस जिसका अर्थ होता है खेत और नोमोस जिसका अर्थ होता है प्रबंधन से बना है। तो खेत का प्रबंधन करना यह कृषि की एक विशेष शाखा है जिसका संबंध फसल उत्पादन और मृदा उत्पादन से है। तो एग्रोनॉमी सारे लोग समझ गए कि एग्रोनॉमी क्या होता है ना।
उसके बाद बात करते हैं उद्यान विज्ञान की यानी कि हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर के अंदर आप तीन चीजों का अध्ययन करते हो। किन कौन का अध्ययन करते हो, है ना, अध्ययन हम करते हैं किन चीजों का, भाई ठीक है नोमी ग्रीक है और लॉजी लैटिन, आप ठीक बोल रहे हैं ये वाली बातें भी। जब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की तो यहाँ पे तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक तो किसका, सब्जियों का, दूसरा फलों का और तीसरा फूलों का। हालांकि आजकल इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का अध्ययन भी किया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब कटाई के बाद जो नुकसान होते हैं वो भी किसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, वो भी हॉर्टिकल्चर के अंदर। एक शाखा बना दी गई है, तो पहले हॉर्टिकल्चर में तीन शाखाएं हुआ करती थी, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान और फूल विज्ञान। अब क्या आ गया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी PHT चौथी शाखा भी आ गई है और पांचवी शाखा भी आ चुकी है जिसका नाम होता है लैंडस्केपिंग। हिंदी में भी लैंडस्केपिंग ही कहा जाता है। लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है, किसी जगह को आकर्षित बना देना, ब्यूटीफुल बना देना। आप मुझे बताओ क्या किसी ऐसी जगह पे गए हो जहां पे गार्डन बनाया हो और गार्डन को देख के तुम्हारा दिल भी गार्डन गार्डन हो गया हो कि वाह यार मजा आ गया। पहले फोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे और सबको बताएंगे, देख लो कितनी अच्छी जगह पे आया हूं मैं, है ना, ऐसे करके बैठ जाएंगे। आप कहीं गए हैं ऐसी जगह पे जहां पे आपने लैंडस्केपिंग देखा हो? मैं अभी अभी जयपुर गया था कुछ समय पहले, अभी आपको फ्री क्लासेस देने के चक्कर में हमारे एक जयपुर के भाई साहब नाराज हैं, अब जाना होगा नहीं, पर जयपुर में मैं गया तो वहाँ पे कुछ सिटी पार्क के नाम से बन रहा है, बड़ा ही ब्यूटीफुल था यार वो वाला पार्क, और अभी पूरा नहीं बना। आप लोगों ने देखा वो सिटी पार्क के नाम से जो बन रहा है अभी, काफ़ी बड़ा पार्क है और बड़ा ब्यूटीफुल सा है वो। इसी तरह से इधर पिंजौर गार्डन मैंने देखा है जो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास ही पड़ता है, मुगल गार्डन भी मैंने देखा हुआ है, आपने भी फोर श्योर देखा होगा। मैं बेंगलोर गया था वहां मैंने लाल बाग भी देखा था, वो भी काफी ब्यूटीफुल था। ऐसे ही बहुत सारी जगह पे अलग अलग गार्डन, जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि कोटा में देखा है या फिर अलग अलग जगह पे आपने देखा हुआ है, है ना। तो ये जो आपने देखे हुए सारे के सारे ब्यूटीफुल से प्लेस, ये क्या हो जाते हैं, ये लैंडस्केपिंग का पार्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ साथ बोलिए, उद्यान विज्ञान में अब कितनी शाखाएं हो गई है, पांच शाखाएं हो गई। कौन कौन सी, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूल विज्ञान, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और लैंडस्केपिंग, क्या पांचों याद हो गई? तो उद्यान विज्ञान यानी बागवानी, फल सब्जी और पुष्प संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है, उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर किया जाता है। अगला आ गया पशुपालन और पशुधन उत्पादन। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्यों जानते होंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया सा टीचर है, मैंने सुना है ऐसा, वो YouTube पे आजकल फ्री पढ़ा रहा है पशुपालन, क्या आप भी उससे पढ़ते हैं क्या? तो उसने आपको बताया होगा कि पशुओं को आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से जब पाला जाता है तो उसी कार्य को पशुपालन कहा जाता है। तो पशुओं को पालने का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या किया जाता है, वो इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कौन सी शाखा के अंतर्गत, पशुपालन के अंतर्गत। उसके बाद आ गया जी आपका मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर। मधुमक्खी देखी है आप लोगों ने, मधुमक्खी से क्या मिलता है? सर मधुमक्खी से हनी यानी कि शहद मिलता है, है ना। हनी मिलता है कि नहीं मिलता भाई? हनी किससे मिलता है? मधुमक्खियों के पालने से मिलता है, मिलता है ना। कल मैंने एक बच्चे का फोन पकड़ लिया लाइब्रेरी के अंदर जाके, वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था, तो वो जिसने मैसेज लिखा हुआ था, मैंने कहा मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि तू फोन यूज कर रहा था, पर मुझे इसका मतलब समझा, क्योंकि उसने मैसेज में लिख रखा था कैसी हो हनी। मैं कहूं कैसी हो हनी, ये तो मधुमक्खी से जाके पूछ, हनी कैसे बता सकता है वो कैसा है, वो तो मधुमक्खी बताएगी या उसका पीएच चेक कर तब पता चलेगा। फिर मैंने देखा कि ऊपर नाम में लिखा हुआ था बाबू, मैं कहूं ये कौन सा बाबू है जो शहद की सप्लाई कर रहा है। फिर मैंने कहा भाई साहब ये कौन है, तो वो शर्माने लग गया। मुझे तब समझ आया, मैंने कहा अच्छा ये जो तुम्हारा बाबू है ये हनी जो है उसी को तुम बोल रहे हो। अब मैंने कहा हम ठहरे एग्रीकल्चर वाले बंदे, हमारे सामने कोई हनी की बात करे हम तो भैया मधुमक्खी की तरह भाग जाते हैं, अब तुम्हारा बाबू ही हनी बना बैठा तो क्या करें। उधर मधुमक्खी नाराज होगी, कहती है बाबू को निकालो फोन से बाहर, मैं देखूं जो ये हनी बना रही है। अब ना जाने बाबू कौन सा हनी बना रही है जो व्हाट्सएप के ऊपर ही बना जा रहा है,
है ना, हमारी मधुमक्खी अपना पूरा जीवन काल लगा देती है और पूरे जीवन काल में एक चम्मच भी शहद नहीं बना पाती है। इधर हमारा बाबू है जो व्हाट्सएप पे बैठे बैठे रात में टनों बना देता है। बोला कितना प्यार करते हो मुझसे, कहा ट्रक भर के करता हूँ। कहती नहीं जी कम करते हो, है ना। बोला फिर ऐसे करते हैं JCB मंगा लेते हैं और ज़्यादा भर लेते हैं। मधुमक्खी बहुत नाराज है आप लोगों से, है ना, क्योंकि आप हनी तो उधर से ढूंढ ले रहे हैं। तो हनी का मतलब शहद के लिए, और शहद के साथ साथ क्या करती है जो मधुमक्खी है, वो परागण यानी कि पोलिनेशन के अंदर भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो परागण और आपका शहद उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं। और मधुमक्खियों को पालन और शहद उत्पादन का जो अध्ययन है वो एपिकल्चर या फिर किसमें किया जाता है, मधुमक्खी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है है। उसके बाद आ गया आपका मछली पालन। मछली सब लोग जानते ही होंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। चांटा लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो पशुपालन पढ़ जाएगी, क्योंकि एक बंदा है जो YouTube पे फ्री पढ़ा रहा है तो पढ़ जाएगी वो, है ना। ऐसे मजाक कर रहा है यार, ऐसे मत सोचना कि प्रमोट ही करता रहता है बंदा अपने आप को। बस ऐसे थोड़ा आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, है ना। ऐसे सीरियस होके बैठे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि जिंदगी में काम तो यही सब आएगा, पढ़ाई आएगी। तो रोटियां बाद में खाएंगे, पहले पढ़ाई करेंगे। तो फिशरीज यानी मछली पालन की बात करते हैं, है ना। मछली पालन की बात करेंगे तो मछली पालन का मतलब वो शाखा जिसमें मछली पालन और उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मछली पालन के अंदर मछलियों का, झींगे का, केकड़े का, श्रिंप का, सभी का अध्ययन किया जाता है। सामान्य भाषा में कहूं तो पानी में जितने भी जलीय क्या होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, उनका अध्ययन मछली पालन या फिर एक और शाखा होती है जिसका नाम एक्वा कल्चर होता है, उसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आ गया रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। रेशम जानते हो, रेशम क्या होता है, रेशम सुना होगा। मैं मेरे गांव से हूँ, मतलब गांव से तो हूँ ही मैं, मेरे गांव में मेरे घर के साथ वाला जो घर था उनके लड़के का नाम था रेशम, तो मेरी तो जिंदगी रेशम के साथ बड़ी हुई है। लेकिन अभी आगे पता चला कि रेशम की बात करेंगे, रेशम कीट पालन की बात करेंगे। तो रेशम कीट पालन क्या होता है भैया, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट को पालना। रेशम कीट की जिंदगी में चार अवस्थाएं होती हैं। इन चार अवस्थाओं में से जब वो तीसरी अवस्था के अंदर होता है, जिसे प्यूपा अवस्था कहा जाता है, प्यूपा अवस्था के अंदर वो अपने ऊपर क्या करता है, धागे का निर्माण, धागे जैसी संरचना का निर्माण करता है। और उस धागे जैसी संरचना को कोकून कहा जाता है। और उसी के अंदर क्या होता है भैया, उसी के अंदर रेशम होता है यानी सिल्क होता है। तो उस कोकून को उबाल दिया जाता है गर्म पानी के अंदर, जिससे उससे अंदर का रेशम कीट तो मर जाता है, लेकिन उसके ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, रेशम के धागे को निकाल लेते हैं। तो रेशम कीट को पालना, इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट का पालन और रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो बताइए मुझे भारत का कौन सा राज्य है जो रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। भक्ति की लीला लिख रही है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, बस 60 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से ही आए, इतनी तैयारी करवा देना। देखिए भक्ति की लीला, कोशिश तो यही करूंगा कि 60 में से 60 प्रश्न, क्योंकि इंसान के पास होता है कर्म, कर्म तो अच्छा ही करके जाऊंगा, बाकी फल की प्रतीक्षा मैं ऊपर वाले पे छोड़ दूंगा। वो ऊपर वाला देख रहा है तुम्हें भी और मुझे भी, अगर तुमने भी मेहनत की और मैंने भी की तो इंशाल्लाह हम 60 के 60 क्वेश्चन पूरे करेंगे, है ना। आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा भाई। आंसर सबसे पहले जो सही उत्तर लिखा है, मैं उस बच्चे का नाम बताना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चों ने आंसर तो लिख दिया है, लेकिन सबसे पहले किसने लिखा, कर्नाटक सबसे पहले तो लिखा है 100RB 12S12 सरकार। पता नहीं यार आपका नाम ये आप ऐसे कोड वर्ड से क्यों रख लेते हैं भाई, कोई उग्रवादी हो क्या, ये ऐसे ऐसे नाम क्यों रखते हो तुम, है ना। आपने लिखा है 100RB, मतलब तो कुछ और बन रहा है इसका, मैं भी समझ रहा हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ना। 100RB और 12 सरकार,
12 शक्कर क्या बना, पता नहीं यार क्या बना, छोड़ो इस बच्चे को हटाते हैं, इस बच्चे का नाम नहीं लेंगे। इसके बाद सही उत्तर लिखा है शिव सहाय चौहान जी ने, और उसके बाद सब सही उत्तर लिख रहे हैं। सही उत्तर की बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, रेशम की बात करेंगे, रेशम उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे जो प्रथम स्थान है रेशम उत्पादन के अंदर वो कौन से राज्य का है, वो कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक का जो है वो सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है। उस बच्चे ने नाम बताया भैया, उसने क्या लिखा हुआ है, देखो ये लड़के ना भाई कुछ भी, उसने अपना नाम लिखा हुआ है 100RB12SKAR। पढ़ो क्या है जरा, इस बंदे का नाम सौरभ, सो और रब, सौरभ बन गया, और आगे 12SKAR को इसने बताया मुझे क्या, भास्कर। ये भास्कर कैसे बना यार, 12 को भास्कर कैसे बनाया आपने, चलो जैसे बनाया हुआ ठीक है यार, आपने बना दिया ना, बढ़िया। तो ये सौरभ भास्कर जी ने बेसिकली सबसे पहले उत्तर दिया था। आगे चलते हैं, तो रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कर्नाटक के अंदर हो रहा है। रेशम कीट का पालन का मतलब है रेशम कीट को क्या करना, पालना और उससे रेशम का उत्पादन करना। और अगर बात करें किसकी बात करेंगे, रेशम कीट को पालने के लिए खिलाने की, तो आप मुझे बताइए रेशम कीट को पालने के लिए किस पौधे की या किस पेड़ की पत्तियां उसे खिलाई जाती हैं, क्योंकि यह अनिवार्य हो जाता है कि अगर आप रेशम कीट को पाल रहे हो तो उन पेड़ों की पत्तियां मतलब पेड़ भी आपको लगाने पड़ेंगे, ताकि आप क्या कर सके उस पेड़ की पत्तियां जो है उस आप क्या कर सके का जो रेशम कीट है उसको खिला सके। सबसे पहले अंकित ने मोरस एल्बा लिख दिया है, बिल्कुल आप लोग सब सही कह रहे हैं। इनको खिलाई जाती है पत्तियां किसकी, शहतूत की। किसकी पत्तियां खिलाते हैं भैया, शहतूत की पत्तियां खिलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में मलबरी प्लांट कहा जाता है। और अंकित सबसे अच्छा बंदा है क्योंकि उसने तो बात ही खत्म कर दी, कहता ना हिंदी ना अंग्रेजी, वैज्ञानिक नाम ले लो। मोरस एल्बा जो होता है वो वैज्ञानिक नाम होता है शहतूत का। और शहतूत की खेती की बात करेंगे तो मुझे बता दो जरा शहतूत की खेती को क्या बोला जाता है। जैसे रेशम कीट पालने को तो बोला जाता है सेरीकल्चर, ऐसे ही शहतूत की बात करेंगे तो शहतूत की खेती को फिर से अंकित ने सबसे पहले बता दिया है। सब लोग ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, शहतूत की खेती को कहा जाता है मोरी कल्चर। मोरी है ना, मोरा पिया मोसे बोलत नाही, सुना वो राजनीति फिल्म का गाना है। तो मोरी कल्चर क्या होगा, मोरी कल्चर हो गया रेशम कीट पालन के लिए शहतूत की खेती करना। तो शहतूत की खेती करते हो तो मोरी कल्चर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला आ गया लैक कल्चर यानी लाख उत्पादन। तो इस शाखा में लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन होता है। तो वो कीड़ा जो पेड़ों के ऊपर चिपका रहता है और लाख का उत्पादन करता है, उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। लाख अगर आपने पढ़ा है तो उससे खिलौने भी बनते हैं, लाख से वो चूड़ियों के अंदर, आपने कभी देखा आपकी मम्मी जो चूड़ियां पहनती है उन चूड़ियों के अंदर की साइड लाख भर दिया जाता है, लाख की कोटिंग डाल दी जाती है, वो चुभती नहीं है। कभी कभी ये जैसे हम कड़े बड़े पहनते हैं ना, तो इनके अंदर भी लाख डाल दिया जाता कि वो चुभे नहीं। तो लाख का किसके अंदर, जवाहरात के अंदर, खिलौनों के अंदर और मेकअप के सामान बनाने के अंदर भी उपयोग लिया जाता है। आपको पता है मेकअप का सामान बनाने के लिए दोनों शाखाओं का उपयोग होता है, एक तो लाख उत्पादन लैक कल्चर का और दूसरा जो पीछे आपने पढ़ा एपीकल्चर का। आपको पता है एपीकल्चर से आपको हनी तो मिलता ही है, हनी के साथ साथ अगर आप मोम की बात करेंगे, शहद की बात कर, सॉरी शहद नहीं है, वैक्स है ना, मोम या फिर वैक्स की बात करेंगे, ये भी किससे मिलता है, हमें मधुमक्खियों से मिलता है। आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा है ना, मधुमक्खी जब उसके अंदर शहद भर देती है उसे ऊपर से सील कर देती है, वो जिससे सील करती है वो क्या होता है, वो मोम होता है, वो वैक्स होता है। आप सोच रहे होंगे सर ये वैक्स का यूज क्या होता है, कॉस्मेटिक के अंदर, कॉस्मेटिक जानते हो वो जो साज श्रृंगार का सामान जो हमारी बहनें ये लड़कियां यूज करती हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है। आपने देखा ना यार शादी के टाइम पे जब शादी हो रही होती है तो दुल्हन जैसे वो फेरे लेने के लिए सामने आती है तो दुल्हा अपने घर वालों से कह रहा था कि मम्मी लड़की को तो लेके आओ, वो कहते हैं बेटा यही तो लड़की है, बोला ये नहीं जिससे मेरी शादी होने, वो लेके, बोला नहीं नहीं बेटा लड़की यही है पर ये ब्यूटी पार्लर जाके आई है ना। लड़का कहता अच्छा ये मेरे वाली है, तो लड़की भैया इतना मेकअप कर लेती है ना, 2 किलो की लड़की और 2.5 किलो का मेकअप लगा के आ जाती है, पता ही नहीं चलता रात के अंदर कि भैया वो मेरे वाली है कि तेरे वाली है।
तो लड़का बेचारा कन्फ्यूज है कि भैया फेरे सही वाली से दिलवा देना, क्योंकि सारी तो ऐसे चमकी फिरती होती हैं, जैसे होता है ना वो चाइना के अंदर लोग ऐसे ऐसे वाले हैं। आपको पता है चाइना में लोग क्या करते हैं, चाइना में लोग सब कुछ खा लेते हैं, वो सांप भी खा ले रहे हैं, मेंढक भी खा ले रहे हैं, केंचुआ भी खा ले रहे हैं, वो कॉकरोच भी खा ले रहे हैं यार। आपको लगता है छी छी यार इतने गंदे हैं वो, एक्चुअली वो गंदे नहीं है। दिक्कत पता है क्या, हम जैसे लोगों की आंखें इतनी इतनी, उनकी आंखें होती है ऐसे। अब ऐसे आंख से ना कुछ पता नहीं चल पाता है कि कॉकरोच है कि मेंढक है कछुआ, पता नहीं चल पाता यार। उनको दिख रहा है कुछ, चल फिर खा लो, वो खा जाते हैं सारा कुछ। ऐसे ही शादी के अंदर हमारी लड़कियां ऐसे बनी फिरती होती है ना भाई साहब, इतना मेकअप कर लेती हैं। आपको पता है पहले क्या होता था, इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है वो अलग बात है, मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई में भी ऐसा ही हो रहा है। पहले मेकअप का प्रयोग जब किया जाता था, लड़कियां अपने मुंह पे जब 2.5 किलो मेकअप लगा लेती थी तो क्या होता था, वो जो वीडियो बनाने वाला है वो कैमरामैन भी शरारती होता है, वो भी नजारे लेने के लिए आ जाता है, बोला अच्छा तूने करा 2.5 किलो का मेकअप ये ले, तो वो पीले रंग की लाइट उसके मुंह पे डालता है जो गर्म बहुत होती है, तो वो सारा पसीना आके मेकअप भाई साहब उतर जाता है और अंदर से निकलते चुड़ैल सामने। लड़का कहता है इससे मैं शादी नहीं कर रहा भाई साहब, ये कौन ले आए तू मेरे लिए, तो उसका मेकअप ना निकल जाए ना। आजकल मेकअप के अंदर क्या किया जाता है, वैक्स को डाल दिया जाता है, तो वैक्स डालने से, मोम के डालने से क्या हो जाता है, वाटर प्रूफिंग हो जाती है। तो भैया अब तुम चुड़ैल चुड़ैल के मुंह पे नहीं, मतलब कोई भी कह दो है ना, लड़कियां बुरा ना माने ऐसे ही बोल रहा हूं, उसके मुंह पे तुम पानी की बाल्टी मार दो ना तब ना उतरे मेकअप उसका, तो असली चेहरा अगले दिन जाके समझ आता है। तो पंडित भी जानता है कि फेरे वेरे ले ले काम पक्का हो जाएगा, अगले दिन जब वो जाके नहाएगी साबुन से रगड़े बगड़ेगी तब असली चेहरा सामने आएगा, रात को मेकअप भी चलता है। तो वो जो वाटर प्रूफिंग है किसके अंदर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर, के वो उतर ना जाए, उसमें लैक कल्चर के लाख का और एपी कल्चर के वैक्स यानी मोम का प्रयोग किया जाता है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या किया जाता है। अब हम लोग कह रहे हैं सर को बहुत नॉलेज है कॉस्मेटिक का, तो बेटा इसमें क्या हो गया, आपको भी तो नॉलेज है ना। अब अगर आपसे पूछो शादी में कितने फेरे होते हैं, तुम कहोगे सर 7, तो तुमने शादी कर रखी है क्या, नहीं ना, तो कुछ ऐसी चीजें जो हमने नहीं करी होती है उनके बारे में भी हमें ज्ञान होता है ना। बस वैसा ही ये वाला ज्ञान मुझे है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, मैं पेपर जब पढ़ता हूँ तो पढ़ता रहता हूँ ऐसा कुछ, और आपने देखा होगा आजकल ऐसा होता भी है। आगे चलते हैं हम, लाख उत्पादन के बाद अगली ब्रांच पे चल जाते हैं। अगली ब्रांच की बात करेंगे तो अगली ब्रांच कौन सी आ गई है आपकी, वन विज्ञान आ गई है, फॉरेस्ट्री आ गई है। फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, वन विज्ञान की बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधे, पौधों के साथ साथ पेड़, उनको उगाने और उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पेड़ों के साथ साथ वहां पशुपालन का अध्ययन भी किया जाता है। सर पशुपालन तो पशुपालन की शाखा में आएगा, नहीं नहीं नहीं, जंगलों के अंदर जो पशु होते हैं, जंगलों में पशु अलग होते हैं, हम जो पालते हैं वो अलग होते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, किसकी बात करते हैं, दो बात कर लेता हूं किसकी, एक तो आपकी मुर्गी की बात कर लेता हूं और एक सुअर की बात कर लेता हूं। मुर्गी देखी है सब लोगों ने, हाँ सर देखी है। सुअर देखा है सब लोगों ने, हाँ सर देखा है। तो एक तो मुर्गी होती है आपकी वो जिसे तुम घरों में पालते हो, एक होती है जंगली मुर्गी। देखिए तुमने कुछ लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो शिकार करने चले जाते हैं मुर्गी का। तो एक तो जो घरों के अंदर पालते हो ना, घरों में पाली जाने वाली जो मुर्गी होती है ना, उसका वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस। क्या नाम होता है, गैलस डोमेस्टिकस। और जो जंगली मुर्गी होती है ना, उसका नाम होता है गैलस गैलस। वो डोमेस्टिकस नहीं है, वो जंगली है। तो जंगली होती है गैलस गैलस, जबकि आपकी जो पालने वाली है, घर वाली है, वो होती है गैलस डोमेस्टिका। मतलब जंगली अलग है, घर वाली अलग है। ऐसे सुअर को तो सब लोग जानते ही होंगे। एक तो सुअर होता है स्क्रोफा इंडिक, नहीं है स्क्रोफा इंडिकस नहीं बोलते उसे, स्क्रोफा डोमेस्टिक इंडिकस, इंडिकस ही बोलते हैं शायद, सुस स्क्रोफा इंडिकस कहा जाता है। वो वाला पशु, वो वाला सुअर जिसको घरों के अंदर पाला जाता है, घरों में ना पाला जाए तो पिगरीज के अंदर उसे पाला जाता है। लेकिन एक होता है स्क्रोफा विटाटस। स्क्रोफा विटाटस क्या होता है, वो जंगली सुअर होता है। जंगली सुअर देखा है आप लोगों ने, बहुत घातक होता है, बहुत गुस्सैल होता है, अग्रेसिव होता है, जाओगे तो भैया मारने को दौड़ेगा तुम्हें वो। तो वो जंगली सुअर अलग होता है ना। तो वन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री में खेत जंगलों के अंदर होने वाले पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ों के साथ वहां पशु और वहां फसलें जो हो रही हैं, औषधियां जो हो रही हैं, उनके बारे में भी जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, वन विज्ञान के अंदर किया जाता है। अगला आ गया मशरूम उत्पादन।
मशरूम उत्पादन की बात करेंगे तो मशरूम उत्पादन के केस में बोलेंगे। सो मशरूम उत्पादन का मतलब क्या है? इस शाखा के अंतर्गत मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आप मुझे बता दो भारत में सर्वाधिक कौन सी मशरूम का उत्पादन किया जाता है? बिकॉज तीन टाइप की, तीन अलग अलग तरह की क्या है मशरूम है, उसमें से एक मशरूम है जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है और तुमने भी उस मशरूम को खाया हुआ है। मशरूम मसाला खाया होगा, मशरूम के पकोड़े खाए होंगे, या फिर मशरूम का क्या, हाँ मशरूम नूडल्स के अंदर भी डल जाती है, पिज्जा विज्जा के अंदर भी आ जाती है, आपने क्या खाया आप पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ आंसर की बात करेंगे तो बाकी सब लोगों ने लिख दिया है, आंसर जो है वो बटन आ जाएगा। यस है ना, बटन शर्ट वाला बटन नहीं भैया, मशरूम वाला बटन। तो बटर मशरूम आपने देख रखा होगा, बटर मशरूम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आगे चलते हैं, कुक्कुट पालन या पोल्ट्री, इस शाखा के अंदर मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। फिर आ जाती है कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी, तो इसमें कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं। एंटो के बाद आ गया प्लांट पैथो, पादप रोग विज्ञान, इसमें कीटों के बारे में नहीं, इसमें पादप पर लगने वाले रोगों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला आ गया कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर में एक्स की टेंशन, एक्स टेंशन, एक्सटेंशन का मतलब जानते हो, एक्स का मतलब होता है आउट, है ना, वो तुम्हारी थी लेकिन उसने तुम्हें कह दिया बाबू अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब तुम मेरी जिंदगी से आउट, तुम्हें कर दिया आउट। जैसे ही उसने तुम्हें कर दिया आउट, अब तुम उसके क्या बन गए भैया? अरे सर आपने तो दुख याद करवा दिए, बढ़िया मैं क्लास ले रहा था, है ना। नहीं नहीं दुख याद नहीं करवा रहा हूं मैं आपके, मैं तो आपको बस समझाना चाह रहा हूं। एक्स का मतलब क्या हो गया? आउट, पूर्व, पूर्व वाला है ना, तो एक्स का मतलब आउट हो गया। टेंशन का मतलब तो आपको पता ही है, क्योंकि जब आपकी जिंदगी से वो चली गई तो फिर वो तो आपको एक्स कर गई और साथ में क्या दे गई, टेंशन। ने बुलाओ हो सर जिंदगी भर का रोना देके चली गई, अभी तो नहीं गई है, अभी तो वापस आने के चांस भी है, लेकिन तुम सुपरवाइजर में सेलेक्ट नहीं हुए ना, और तुम्हारा कोई दोस्त हो गया तो तुम्हें छोड़ के उसके पास चली जाएगी, फिर तुम वो गाना सुनोगे, है ना, कौन सा, यार नहीं लूट लिया घर यार का, वो गाना ना सुनना पड़े। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, बिकॉज ऑफिसर बनेंगे तो सब मिलेगा, नहीं मिलेंगे तो घर वालों से जूते मिलेंगे, डिसीजन आपका है, फ्यूचर आपका है। आगे चलते हैं, कृषि प्रसार यानी एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एक्सटेंशन वाले के इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्स मतलब आउट, टेंशन मतलब प्रसार करना। तो जो वैज्ञानिकों के पास नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, उसको किसानों तक पहुंचाने का जो काम है वो कृषि प्रसार का है। तो कृषि अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना। जैसे मान लो कि मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूं कि बताओ भैया तुम्हें किस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत आती है, कौन सा आसान लगता है, तो मैं अनुसंधान कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, कोई वैज्ञानिक नई वैरायटी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, वो अनुसंधान कर रहा है। तो कृषि अनुसंधान से प्राप्त जो भी नवीन तकनीकी जानकारी होती है ना, उसको किसानों के खेत तक पहुंचाने का जो अध्ययन है, वो अनौपचारिक जो शिक्षा है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, वो इस शाखा में अध्ययन किया जाता है। तो ये शाखा कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी कृषि प्रसार, जिसमें वैज्ञानिकों का नॉलेज आप कहां तक ले जा रहे हो, किसानों तक ले जा रहे हो। इसका काम, ये वाला काम कौन करते हैं, ऐसा काम करते हैं आपके कृषि विज्ञान केंद्र, या फिर काम करते हैं यही वाला किसान कॉल सेंटर, या फिर इसे करता है मैनेज। जरा बताओ मुझे मैनेज की फुल फॉर्म क्या होती है, देखते हैं मैनेज की फुल फॉर्म सबसे पहले कौन लिख पाता है। जब तक आप लिखें मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि मैनेज की बात करेंगे तो मैनेज जो है ये कहां पे स्थित है, मैनेज जो है ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। मैंने आपसे पूछा है मैनेज का फुल फॉर्म, क्योंकि मैनेज जो है वो काम करता है कृषि प्रसार का, वो काम करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। प्रीमियम एग्री क्लास है भाई, इटियोलॉजी बता दूंगा लेकिन समय के साथ बताऊंगा, अभी तो बेसिक बातें चल रही हैं। अभी इटियोलॉजी बताऊंगा तो सीक्वेंस खराब हो जाएगा ना मेरा, मैं आंसर सारे दूंगा लेकिन सीक्वेंस के साथ। ओके, मैनेज की फुल फॉर्म की बात चल रही थी, सिद्धार्थ ने सबसे पहले लिख दिया है पर थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। सिद्धार्थ कह रहा है नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, थोड़ा गलत हो गया भाई साहब, सिद्धार्थ जी गलत है, नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ, आशु मीना ने भी ऐसा ही लिख दिया है,
थोड़ा सा सुधार कर लीजिए मैनेज, जब आप नहीं बता पा रहे तो मैं आपकी सहायता कर देता हूं। मैनेज की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मोलीपोल ने, भाई मोलीपोल आप यहां भी हैं, है ना, मोलीपोल ने सही आंसर लिखा है। मोली बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हिंदी क्लास भी ले रही है। तो मैनेज की बात करेंगे तो मैनेज की जो फुल फॉर्म है ना वो ऐसे नहीं है जैसे आप आंसर लिख रहे हैं। मैनेज की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। मैं लिख देता हूं यार अगर आपको ना पता हो तो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल, आगे तुम्हारी एक्स तो आई गई, तुम्हारे वाली नहीं मतलब एक्सटेंशन वाली एक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ठीक है। सो मैनेज की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, वो एम से स्टार्ट नहीं होती है। हैदराबाद में 1987 में, है ना, 1987 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आप कुकुट पालन को भी समझ गए, आप कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, कृषि प्रसार, लास्ट में चलते हैं कृषि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र क्या आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र किसने कहा था, चाणक्य ने कहा था, है ना, चाणक्य ने इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहा था। अर्थ का मतलब होता है पैसा, पैसे का जो शास्त्र है इसे क्या कहा जाता है, इसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कृषि लागत और आय की जो गणना का विस्तृत अध्ययन है वो इस शाखा में किया जाता है कि कृषि हमारा खर्चा कितना आ रहा है और उस खर्चे को करने के बाद हमारी जो इनकम है, हमारी जो आय है वो कितनी हो रही है, वो कृषि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जो है वो खत्म हो गई, आगे बढ़ेंगे कृषि विज्ञान के महत्व की बात करेंगे, बट एक बार के लिए प्यारा सा वाई आपसे ले लेंगे कि क्या यहां तक जो शाखाओं की बात हमने करी और कुछ अन्य तथ्य जो मैं अपने आपसे इससे जुड़े हुए बताए, क्या आपको ये समझ आ गए हैं, तो मुझे एक प्यारा सा वाई लिख दीजिए। उससे पहले एक प्यारा सा कमेंट किसी ने किया है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, पत्थर तो तबीयत से एक उछालो यारो, है ना। ये मैंने कोई यूपीएससी की वेब सीरीज थी उसमें भी सुना था, बट बहुत अच्छी बात है, ऐसी ऐसी बातें करने से बच्चे मोटिवेट रहते हैं, अच्छे से पढ़ते रहते हैं। आप करते रहा करो, इसीलिए कहता हूं कि जब भी कुछ अच्छा करो तो खुद को शाबाशी दो, बिकॉज दुनिया तो देगी नहीं, वो तो सड़ती है। जितना ऊपर जाओगे उतनी निंदा करने वाले लोग बढ़ते जाएंगे, जितना नीचे गिरोगे उतने बुरे लोग तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है। कमेंट करो भाई, कम करो, कोई कह रहा है डिस्टर्ब होता है, स्मार्ट स्टडी ऐसा बोल रहा है, ठीक है जी, कमेंट कम किया जाएगा। बच्चों कमेंट कम करने हैं, बस मेरे को वाई लिख देना है और ज्यादा कमेंट नहीं करने हैं, ठीक है। हृदय में आनंद और ज्ञान उदय हो जाएगा, एक दीपक जलने से कई दीपक जलाएगा, ठीक है। आज दीपक के बहुत सारे कमेंट कर दिया आपने, आदरणीय गुरुजी मेरे को कृषि पर्यवेक्षक के कार्य नहीं पता है, कृपया मुझे बताने कृपा करें, ठीक है। आदरणीय छात्र जी अभी समय नहीं है आपके कार्यों को बताने का, आप मुझे कक्षा के अंत में इसी प्रश्न को दोबारा से इस कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर जानकारी करवाइएगा, है ना, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि विज्ञान का महत्व, यानी कि बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की, कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो भारत की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है वो क्या है, 121 करोड़ है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा रैंक है विश्व में वो कौन सा है, सेकंड रैंक है। इतने बड़े देश के लिए, है ना,
इतने बड़े देश के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या होती है कि रोजगार देना लोगों को, तो रोजगार नहीं मिल पाता है। लेकिन भारत की बात करेंगे तो कृषि वो व्यवसाय है जिससे भारत की अधिकांश जनसंख्या को रोजगार मिलता है, क्योंकि भारत की 65-70%, कहीं कहीं पे 66 लिखा जाता है, कहीं कहीं 70 लिखा जाता है, तो लगभग 65-70% जो आबादी है वो कृषि और कृषि उद्योगों पर निर्भर है। तो जब किसी देश की 70% जो आबादी है वो क्या है, वो कृषि कार्यों पर निर्भर है, तो इसका मतलब कृषि आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अरे स्मार्ट स्टडी भाई, क्या लिख रहा है और किसको लिख रहा है यार, है ना? पहले तो अपना नाम सही लिख ले यार। और एक ही कमेंट तू बार बार लिख रहा है, मुझे लग रहा है कि तू ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है बाकी लोगों को, बिकॉज आप लिख रहे हैं कि आप टाइम खराब है ना, आप ना जाने किसको लिख रहे हो, लेकिन आप ही सबसे ज्यादा टाइम खराब कर रहे हो। तो ये किसके लिख रहा है भाई स्मार्ट स्टडी, एक ही बात को 10 बार 10 बार लिखे जा रहे हो, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना, है ना? हाँ, मतलब ब्लॉक करना, मैं ऐसा नहीं चाहता किसी बच्चे को ब्लॉक करूं मैं, पर मेरे पास ऐसा फीचर है, तो आप खुद ही आप कह रहे हैं डिस्टर्ब, और आप खुद ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, है ना? किसके लिख रहे हैं भाई साहब ऐसा, बताइए ना, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कोई तो नहीं कर रहा यार, बच्चे भी लिमिटेड कमेंट्स ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स तो नहीं आ रहे अभी। आप क्लास को सबसे ज्यादा खराब कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं फिलहाल स्लो मोड कर देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे आ नहीं रहा स्लो मोड, कल की क्लास में कर दूंगा, अभी के लिए टाइम जाएगा, 15 मिनट बचे, पढ़ लेते हैं उसे। तो 65-70% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य पर निर्भर करते हो, किसी भी इतने बड़े देश के लिए क्या हो जाता है, किसी भी इतने बड़े देश के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है लोगों को रोजगार देना। तो भैया सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो किससे आ रहा है, कृषि से, जो अपने आप में सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि 66-70% जनसंख्या जो है वो अपने रोजगार के लिए कृषि कार्य पर निर्भर करती है। याद रखना 66-70%, और कभी कभी ऐसे ना लिख के 2/3 भी लिख दिया जाता है, 2/3 भी लिख दिया जाता है, क्योंकि 2/3 का मतलब भी क्या होता है, वो भी 66% भी होता है। तो 2/3 कह दो या फिर 66-70% कह दो, वो दोनों सेम बातें हो गई। आगे चलते हैं, अगला, अगर बात करेंगे मनुष्य की आवश्यकताओं की, तो हमारी भी जो अधिकांश आवश्यकताएं हैं, सारी तो नहीं लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना, उनकी पूर्ति भी एग्रीकल्चर से ही होती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान, मकान में तो चलो फिर भी मिट्टी से काम चल जाएगा, लेकिन उसमें भी एग्रीकल्चर की कुछ चीजें आपको चाहिए होती है। लेकिन रोटी और कपड़ा की बात करो, रोटी भी कहां से आती है, कृषि कार्यों से ही आती है। किसान ना हो तो वो लोग जो किसानों के बिना, किसानी के बिना इंडिया के अंदर बैठे हैं, भूखे मर जाएंगे। मैं किसान तो नहीं हूं लेकिन मैं तो एग्रीकल्चर वाला बंदा हूं। बहुत सारे लोगों का इंडिया के अंदर ऐसा मानना है कि किसान जो है वो सबसे गरीब है और उनकी अच्छी इनकम नहीं है, किसानों को किसानी छुड़वा के और फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर बना देना चाहिए ताकि देश की जीडीपी बढ़ सके। ऐसी जीडीपी बढ़ा के क्या करोगे जब आपका पेट ही ना भर पाएगा, क्योंकि किसान किसान नहीं, किसान तो अन्नदाता है। तो ये अन्नदाता अपने लिए ना सही लेकिन दूसरों के लिए बहुत कुछ कमाता है। हम जैसे लोग जो यहाँ शहरों के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, उनको 2 टाइम और 3 टाइम की जो रोटी है वो उन्हीं किसानों के प्रयासों से मिल रही है। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं है ना, उनकी पूर्ति जो है वो अधिकांशतः किससे होती है, एग्रीकल्चर से। तो पहली इंपोर्टेंस 65-70% जनता का कृषि कार्यों पर निर्भर होना। दूसरी, मनुष्यों की अधिकांश आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो किससे होती है, कृषि कार्यों द्वारा ही होती है। उसके बाद बात करते हैं खाद्यान्न आपूर्ति की। खाद्यान्न आपूर्ति का मतलब क्या हो गया, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं 1960 की, बात करूं इस दशक की, तो आपको पता है ये वाला जो दशक था ये हमारी सरकार के लिए बहुत द्विधापूर्ण, सुविधा नहीं द्विधा, है ना। 1950 से 1960 में देश में सरकार ने बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया, क्योंकि आजादी के बाद हमारे देश की जनसंख्या तो बढ़ना स्टार्ट हो गई, हमारे देश की जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन हमारा अन्न उत्पादन, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो उतना नहीं बढ़ा जितनी आबादी बढ़ रही थी।
तो आबादी बढ़ रही थी 30% से, प्रोडक्शन बढ़ रहा था 5-10% से, है ना, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। तो इससे क्या हो गया, इससे आबादी ज्यादा बढ़ गई। आपको पता है ना आबादी क्यों बढ़ी, क्योंकि आपको पता है ना हम भारतीय हैं, 1947 से पहले हमारी आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। पता नहीं अंग्रेज कब आके लाठी मार देंगे, कब गोली मार देंगे, कब जेल में डाल देंगे। जब आपको पता ही ना हो कि घर से निकलते मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या आप शादी करने की सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। तो शादी नहीं होगी तो बच्चे पैदा होंगे, नहीं होंगे। तो आजादी से पहले हमारी जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही हमें आजादी मिली, तो आजादी देश को तो मिली, देश की जनता को मिल गई। जैसे ही आजादी मिली, देश के लोग कहते अब हम हैं आजाद, अब हम करेंगे शादी। और फिर इंडियंस हैं, आपको पता ही है ना हम भारतीय हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, हर फील्ड में हमने अपना सिक्का गाड़ दिया भाई साहब। तो इसके अंदर भी हमने सरकार को दिखाया कि तुम्हारी सोच से ऊपर जनसंख्या को बढ़ा के दिखाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, अब हम आजाद हो गए। इतनी मेहनत करी, देश की जनसंख्या को अन्न उत्पादन से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। और 1960 में भैया घरों के अंदर चहल पहल करते हुए इतने सारे छोटे छोटे हमने पैदा कर दिए कि हम दो हमारे 11 क्रिकेट टीम, एक उस साइड एक इस साइड। इससे क्या हो गया, खाद्यान्न उत्पादन कम पड़ गया। और 1960 के अंदर हमारे देश के अंदर भूखमरी की एक समस्या फैल गई, जिसके लिए उत्तरदायी थी सरकार की नीतियां और जनसंख्या का ज्यादा बढ़ जाना। तो इस जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए MS स्वामीनाथन जी आए। स्वामीनाथन जी ने कहा कि ये भारतीय हैं भाई साहब, ये बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते रहे तो अन्न हमारा पूरा कभी हो ही नहीं पाएगा, इनको संतुष्ट करने के लिए क्रांति लेके आओ कोई। आप बोले क्रांति, आप मुझे बता दो, जब आपने जनसंख्या वृद्धि के अंदर क्रांति ला दी थी, आपके दादाजी और मेरे दादाजी, आपने सुना ना, आपके दादाजी के बताओ कितने बेटे हैं, मेरे दादाजी के चलो तीन ही है वैसे, अच्छा तीन बेटे हैं, एक मेरी बुआ भी है, चार है बेसिकली दादाजी के, है ना, फिर पापा के तीन हो गए, फिर आगे तो एक दो ही रह जाएंगे अब, है ना। तो आपके दादाजी कितने बेटे, या फिर आपके दादाजी कितने भाई थे, तो आप देखेंगे ना चार से तो ऊपर ऊपर ही थे। तो ये तभी चल रहा था ये सब कुछ 1950 के आसपास, है ना। मेरे दादाजी तो पहले पाकिस्तान में थे, तो जब वो डिवीजन हुआ 1947 के अंदर, तो हिंदू सारे इधर आ गए थे, तो दादाजी को इधर आना पड़ा। उसके बाद भी भाई साहब, है ना, बच्चे पैदा हुए, तो मैंने कहा जहां जिंदगी की लगी पड़ी थी वहां से निकाला गया था, ट्रेन के अंदर मार काट चल रही थी, और तुम जब भारत में आए रिफ्यूजी कैंप के अंदर, तब भी तुम लोगों को यही सूझ रहा था कि बच्चे पैदा करते हैं, है ना, क्योंकि आजाद हो गई थी ना जनता। तो मेरे और आपके मजाक कर रहा, बुरा मत मानना यार, हमारे बुजुर्ग तो हमारे भगवान समान है, हंसाने के लिए कहता आपको ये सब बातें। तो उस टाइम पे जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, और उस वृद्धि के हिसाब से क्या करना, उसको वृद्धि के हिसाब से उतना अन्न उत्पादन करने के लिए हम क्या लाए, हमें क्रांति लेके आए, जिस क्रांति की शुरुआत 1963 के अंदर की गई, जिसकी अनाउंसमेंट यानी जनता को बताया कि हमें क्रांति ला रहे हैं। और इस क्रांति की सही रूप से शुरुआत हुई 1966-67 के अंदर। क्या आप मुझे इस क्रांति का नाम बता सकते हैं, कौन सी क्रांति थी जो 1966-67 के अंदर आई थी? अमित कुमार तो कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा में, लेकिन रागिनी सोनी ने सबसे पहले हिंदी में लिखा है। हाँ बिल्कुल सोनी जी, आप सही कह रही हैं, हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति को लाया गया। हरित क्रांति की बात करेंगे तो हरित क्रांति, या फिर जिसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ये स्टार्ट होती है कब, ये स्टार्ट होती है 1966-67 के अंदर। और इसी टाइम पे इसकी स्टार्टिंग क्यों मानी गई, क्योंकि इस टाइम पे एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हमने किसानों को क्या किया था, हमने बीजों का वितरण किया था। और वो बीजों का वितरण करने के बाद क्या हुआ, किसानों ने उन बीजों को लगाया और हमारे उत्पादन के अंदर वृद्धि होने लगी, और जनसंख्या जो भूखी मर रही थी, अब सभी के पास क्या हो गया,
अन्न आना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है 1960-65 में जब कोई दावत दी जाती थी ना, जिसकी दावत में चावल या फिर गेहूं खिलाया जाता था, तो लोग उसे वो तो अमीर मानते थे, यार कितना अमीर आदमी है, राइस खिलाए। आज देखो, आज राइस तो कोई भी खिला सकता है। इसका कारण है वो हरित क्रांति जो हमारी सरकार हमारे लिए लेके आई, जिससे अन्न उत्पादन बढ़ा, और उस अन्न उत्पादन के बढ़ने से क्या हुआ, देश में खाद्यान्न आपूर्ति हुई। तो एक योगदान जो है कृषि का, एक महत्व जो है वो क्या है, वो है खाद्यान्न उत्पादन या फिर खाद्यान्न आपूर्ति में योगदान। उसके बाद अगर बात करेंगे किसकी, उत्पादन के लिए कच्चे माल के वितरण की, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, आप लोगों ने टी शर्ट कुछ तो पहन के रखी होगी, ये किससे बनी है, कॉटन से। कॉटन मतलब कपास, कपास कहाँ से आता है, खेतों से। आज तुमने चपाती या फिर तुमने राइस खाए होंगे, वो कहाँ से आते हैं, खेतों से। आपने दूध पिया होगा, वो कहाँ से आता है, गाय भैंसों से। आपने टोमेटो केचप, वो चटनी तुमने खाई होगी, वो किससे बनती है, टमाटर से। आपने चिप्स खाए होंगे, किससे बनते हैं, आलू से। तो उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति जो है वो भी कौन कर रहा है, एग्रीकल्चर, हमारा कृषि विज्ञान ही कर रहा है। तो लोगों को रोजगार देने में, मनुष्य की आवश्यकताएं पूरे करने में, खाद्यान्न आपूर्ति के अंदर, कच्चे माल के लिए, और देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास यानी कि जीडीपी। जीडीपी क्या होता है ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन हाँ, देश के आर्थिक विकास में योगदान भी देते हैं कृषि कार्य। सर कैसे देते हैं, क्योंकि कृषि कार्यों से रोजगार मिलता है लोगों को, रोजगार से वो लोग पैसा कमाते हैं, और जब वो लोग पैसा कमाते हैं तो पैसा कमा के वो पैसा कहां आ रहा है, देश के अंदर। तो देश का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग बिंदुओं को आपने पढ़ लिया, और यही क्या है, कृषि का महत्व है, एग्रीकल्चर की इंपोर्टेंस है इंडिया के अंदर, जिसमें रोजगार, देश का आर्थिक महत्व और खाद्यान्न की आपूर्ति मेजर है। तो यहां मैंने आपको पढ़ाया कृषि विज्ञान क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि कृषि विज्ञान के साथ साथ कृषि विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है, और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि कृषि विज्ञान का महत्व, कृषि का महत्व क्या है। जानने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, अगर मैं आज की क्लास को 10 नंबर में से पूछूं तो आप इस कक्षा को कितने नंबर देना चाहेंगे। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि क्या मैं सही से पढ़ा पाया हूं कि नहीं पढ़ा पाया। आप बिंदास 5, 0, 2, 10 कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 में से कितने नंबर आप हमारी आज की इस कक्षा को देना चाहेंगे। और जो 9 लिख रहा हूं मेरे भाई, सजेशन भी लिखना कि 9 क्यों दिया आपने, 1 कम क्यों किया, ऐसी क्या कमी रही। 10 जो लिख रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। स्मार्ट स्टडी है कोई, मैं इसका कमेंट सबके सामने पढ़ना चाहूंगा। स्मार्ट स्टडी कहता है कि सही बात तो ये है कि आप पेड क्लास के लेवल से नहीं पढ़ा रहे हैं जो आप AFO में पढ़ाते हो। देख स्मार्ट स्टडी, मैं किसी बच्चे को गधा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोई गधा ही होगा जो AFO को सुपरवाइजर से कंपेयर करेगा। आपको बता दूं, AFO पूरे भारत के अंदर होने वाला एग्जाम है, जिसकी लगते ही शुरुआत की सैलरी होती है कुछ लगभग 50,000 रुपए। सुपरवाइजर की सैलरी होती है 20,000 से 22,000 रुपए, जो राजस्थान का एग्जाम है। बच्चों आप ही मुझे बताओ, क्या मैं राजस्थान की परीक्षा के लिए वो परीक्षा जो पूरे भारत के लिए होती है दोनों का लेवल बराबर रखूं क्या? नहीं रख सकता ना, क्योंकि जो पेपर आसान है उसके लेवल को भी वैसा ही रखना पड़ेगा। बाकी तू पढ़ाने की बात करे मेरे भाई, तो मैंने आज तक AFO को रात के 9:15 कभी नहीं पढ़ाया, बट इसको पढ़ा रहा हूँ, और इतना जोर मैंने AFO नहीं लगाया जितना मैं हिंदी के अंदर लगा रहा हूँ। तो तेरी नकारात्मक सोच है, उस नकारात्मक सोच से इस क्लास पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो बच्चे क्या लिख रहे हैं, और आपका तो नाम भी नहीं है। पहली बात तो ये कि तुम्हारे माँ बाप ने कितना नाजों से तुम्हारा एक नाम रखा होगा, तुमने तो उसको स्मार्ट स्टडी कर दिया, तो तुम तो माता पिता के नाम को भी नहीं बता पा रहे हो। तो ऐसे फालतू बातें मत करो। जब आपको लग रहा है कि मैं लेवल से नहीं पढ़ा रहा, फिर आप क्लास में पढ़ क्यों रहे हैं? बच्चों आप बताइए, अगर मैं लेवल से नहीं पढ़ा रहा तो क्या आप मेरी क्लास लेंगे? ये बंदा शुरुआत से एंड तक है, या तो ये किसी और कोचिंग सेंटर वाला है जिसके तुमने एडमिशन खराब कर दिया, मेरे पास आ गए तो अपनी भड़ास निकाल रहा है। वरना लेवल की बात कर भाई, मैं अपनी जी जान लगा रहा हूँ,
और ये ना मैं अपने इस सारा जो सेटअप है ना उसको साक्षी मानते हुए बोल रहा हूँ, ये वाली बात झूठ नहीं बोलता मैं कैमरा के सामने, क्यों, इसी से मुझे रोजगार मिलता है, रोजी रोटी मेरे घर वाले जो है ना रोटी इसी से खाते हैं, तो झूठ नहीं बोलता भाई, मैं जी नहीं जान भी लगाता हूँ पढ़ाने के अंदर, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है, मैं दिल से और दिमाग से चाहता हूँ पढ़ाऊँ, इसलिए मैं सुबह 7 बजे यहाँ पे होता हूँ और रात के 9:15 बजे यहाँ पे हूँ, दिन के 15 घंटे कोचिंग के अंदर होते हैं और 9 घंटे घर के अंदर होते हैं, तो तू क्या जानेगा मेरे भाई के लेवल क्या होता है, तुझे तो इतना पता है कि यूट्यूब पे आके लिखते कैसे है, खैर परवाह नहीं करते मैं, है ना, चलिए साइड, कोई टेंशन नहीं है, धन्यवाद बहुत बहुत बच्चों, ऐसे में छोटी सी नेगेटिव बात कर गया बीच में यार, क्या करूं, जनता सुनने को है ना, ये कोचिंग सेंटर वाले जो बाकी लोग हैं इनकी चलती नहीं, अपनी रुकती नहीं, तो फिर हो ही जाता है, बाकी मेरी क्लास अच्छी लगी है तो मैं देख पा रहा हूँ कि 500 लोगों ने लाइक करा है, तो एक लाइक तो मैं डिजर्व करता ही हूँ, तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए अगर आज मैंने अच्छा पढ़ाया होगा, बाकी आपने चैट में लिख दिया है मैं बाद में आपके कमेंट्स पढ़ लूँगा, कोई अगर सजेशन आपने लिखा होगा, पीडीएफ की बातें चल रही हैं, आप कोर्स को ज्वाइन कर लो, फ्री कोर्स है, उसमें कुछ नहीं करना, ऐप पे बस अकाउंट बनाना है आपको, वहां पे मैं ऐड कर दूंगा, पिछला पीडीएफ भी कर दूंगा, ये वाले भी सारे सीक्वेंस के अंदर कर दूंगा, बस इन दिनों थोड़ा बिजी हूं, एक काम कर रहा हूं वो होने वाला है कल परसों तक, उसके बाद मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, मैं सब आपको और बेहतरीन तरीके से दूंगा, क्लासेस के साथ साथ टेस्ट भी एक मैंने ले लिया है, पर अब हफ्ते के 3-3 टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा, बस 1-2 दिन की कहानी है, फिर हॉर्टिकल्चर क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। आदरणीय गुरुजी कृषि पर्यवेक्षक कार्य नहीं पता, ठीक है, देख भाई कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब देख रेख करना, तो किसानों संबंधी जो स्कीम आती है, है ना, उनको किसानों को बताना, मतलब एक्सटेंशन का एक्सटेंशन कृषि प्रसार वाला काम करना, उसके साथ साथ क्योंकि सरकारी योजना के तहत किसी बीज का खाद का वितरण किया जा रहा है तो वो भी करता है, सही बोलूं तो किस जो कृषि पर्यवेक्षक को बहुत ज्यादा काम नहीं करने पड़ते हैं, दिन में 2-3 और 4 घंटे का, सीजन में काम ज्यादा हो सकता है, सामान्यता उतने ज्यादा काम नहीं होते हैं, साधारण से काम होते हैं, किसानों को जानकारी देना या सरकार द्वारा दी गई योजना के तहत उनको बीज या खाद का वितरण करना, इस तरह के छोटे मोटे कार्य कृषि पर्यवेक्षक करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ कृषि पर्यवेक्षक का किसानों के विकास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, अगर एक अच्छा नॉलेज लेके बच्चा जाता है और पर्यवेक्षक बनता है वो किसानों की आमदनी के अंदर वृद्धि कर सकता है, लेकिन उसके लिए नॉलेज चाहिए बच्चे को, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लाइक पे क्लिक भी कर दिया है। सर 9 इसलिए आपकी क्लास को खराब कर रहे थे कुछ लोग, तो मेरे को 9 मत दे, उसको जूता दे भाई, है ना, जो खराब कर रहा था, एक खराब करने वाले लोग नहीं है मेरे भाई, ये ना कोचिंग वाले हैं, तेरे को पता ही है ना, ये बेचारे तड़प उठते हैं कि रात को 500 क्या करे यार, आपको पता है ना, आप भी जब कोई आपकी बुराई करे, जैसे वो एक कर रहा था लेवल का नहीं पढ़ा रहे, लेवल का तुझे क्या पता लेवल का, एक टीचर का एक्सपीरियंस ही होता है जो लेवल समझ पाएगा किस एग्जाम में किस लेवल में पढ़ाना है, आपको पता है आपकी पहचान आपकी तरक्की की पहचान होती ही इसी से है जब लोग आपकी निंदा करना शुरू कर दें, तो जबकि लोग निंदा कर रहे हो ना समझ जाइए आप ऊपर जा रहे हो और ऊपर जा रहे हो, तो उन्हें मौका दो और निंदा करने का, क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और हिंदी वाले छात्र है तो आपको पूरा ये दोहा आता होगा, है ना, तो ये स्मार्ट स्टडी वाले निंदक, अच्छी बात है भाई मैं लेवल का नहीं पढ़ा पाता, मुझे क्षमा करना, मुझे आता ही नहीं है पढ़ाना यार, मुझसे हुई गलती, आगे से आप मेरी क्लास को इग्नोर कर लो भाई, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं तो, है ना, तो बता दे कौन अच्छा पढ़ाता है, देख लेंगे हमारे बच्चे भी देख लेंगे। सर ऐप में वैकेंसी की जानकारी डाल दिया करो, ठीक है ये भी करेंगे, डोंट वरी, मैं कल बोलता हूँ मेरी टीम में से लोगों को। सर पशुपालन ग्रामीण विस्तार और यहाँ ऑफकोर्स महत्वपूर्ण होंगी, सर कुछ कुछ बातें हैं जो राजस्थान के बारे में पढ़ाऊंगा वो महत्वपूर्ण नहीं होंगी, लेकिन बाकी सब जैसे जो कल पढ़ाया था पशु आहार के बारे में वो तो सेम ही रहता है ना, 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम भैंस को और 3 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम गाय को दिया जाता है, ये तो भाई राजस्थान MP यूपी हर जगह पे सेम दिया जाएगा ना, पूरी इंडिया का है तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। AG में आपका कोई जवाब नहीं है, विपिन कुमार असली नाम तो ऐसे लिख रहा है, वो फेक नाम स्मार्ट, और देखो स्मार्ट स्टडी अब आंसर नहीं लिख रहा, वो बेचारा क्लास में तो है लेकिन वो कोचिंग वाला बंदा होगा मेरे हिसाब से, वो सोच रहा है कि लिखूं कुछ के ना लिखूं, कि कुछ लिख दिया तो बच्चे इतने सारे हैं कि उसके ऊपर भरमार कर देंगे, है ना कमेंट्स की, चलिए कोई बात नहीं चलता है यार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बुराई करी और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे बारे में अच्छा कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता अच्छा कहा या बुरा कहा, फर्क ये पड़ता कि तुमने कुछ तो कहा, तुम हमारी क्लास में आए, तुमने हमारी क्लास में एक और बढ़ा दिया, जहां 550 होने थे तुमने और ऊपर कर दिया, तो हम तुम कोचिंग वालों के भी शुक्रगुजार हैं जो हमारी क्लास में आकर नेगेटिव कमेंट करते हैं, आपका दिल से आभार।
चलिए पीयूष दीक्षित भाई, कोई टेंशन नहीं है, आप कह रहे हो कोई मेरी मदद करो, मैं कर दूंगा, मैं ऐप के अंदर ऐड कर दूंगा, उस कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगा नोट्स जो पहले मैंने दिए थे। लोकेश मीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो आप प्यार ही बांट रहे हैं, अच्छी बात है। मेरी तारीफ के साथ साथ अपनी तारीफ भी करते रहा करो, क्योंकि आपको पता ही है स्मार्ट स्टडी तो आपकी तारीफ करेगा नहीं, तुम्हें कहेगा कि तुम तो एग्रीकल्चर के लेवल के ही नहीं हो, लेकिन आप अपनी तारीफ करते रहा करो। तो अभी के अभी सब लोग अपनी तारीफ करो कि मैं कितना अच्छा हूँ यार, कि आज मैंने पशुपालन और एग्रोनॉमी दोनों क्लासेस अच्छे से समझ लिया। अगर तुम्हें समझ आई है तो मेरी नहीं, खुद की तारीफ करो और अपने माँ बाप का शुक्रगुजार करो कि उन्होंने तुम इतने काबिल बनाया कि आज तुम बैठ के ये कर रहे हो। अब पढ़ाई करो ताकि उनका सपना तुम पूरा कर सको। फिलहाल मुझे मेरे घर जाना है, वरना नाम तो ठीक है पर मेरी मम्मी चप्पल उतार लेगी मैं टाइम पे ना गया, तो वो मुझे कहेंगे घर आने का टाइम है, तो मुझे अभी के लिए जाना पड़ेगा। मैं मिलूंगा कल शाम को 7 बजे आपकी पशुपालन की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जिंदगी का नाम है आगे बढ़ता जाना, है ना? तो जिंदगी और गाड़ी में एक ही समानता होती है कि आगे बढ़ती रहती है। तो इस जिंदगी के अंदर मैं आपको कल शाम को फिर से मिलूंगा 7 बजे आपकी क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का, शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत।